हेलो गाइस, वेलकम टू एच हिंदुस्तानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक सिंपल सी ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग मशीन। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इस मशीन को बनाने की सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक प्लाईवुड की, जिसमें कि मैंने कुछ पीसेस बना लिए हैं और उनको हम कट कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से पीसेस हैं और आप अपने हिसाब से इन पीसेस को बड़ा छोटा कर सकते हैं। पीसेस तो इसी तरीके से हैं, आप अलग अलग तरह से इन पीसेस को बड़ा छोटा करके अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो जो बेस था, बेस वाले पीस हमने बेस में रख लिया है और जो इनके मिडल में दो जो साइड के पीसेस हैं उनके मिडल में जो पीस लगाना है उसको नीचे रखकर हम डिस्टेंस मेजर करके फेविकोल लगाकर उन दोनों पीसेस को इसमें चिपका देंगे ताकि से वो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सेम रहे। और इसको चिपकाने के बाद हम जो इसके ऊपर का दूसरा पीस हमने कट किया था उसको भी हम यहाँ पर लगा लेंगे। इसको ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए करीब 20 से 25 मिनट हम इसको फुल सनलाइट में रख देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये ड्राई हो चुका है और जो इसका पीस है वो हमने निकाल लिया है। अब इस पीस को हमें बिल्कुल इसके मिडल में लगाना है ताकि ये ना ज़्यादा ऊपर रहे ना ज़्यादा नीचे रहे, इसको बिल्कुल मिडल में लगाएंगे हम। और इसको भी फेविकोल से लगाया है इसलिए थोड़ा सा टाइम इसको लगेगा, करीब 10-12 मिनट इसको भी हमें सुखाना पड़ेगा फुल सनलाइट में। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा सूख चुका है और काफ़ी हार्ड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमने और से पीस कट कर लिया, इसके बीच में हमने टूथपिक लगा ली है ताकि ये एक लीवर की तरह वर्क करे। और एक पेन का हमने पीछे का ये कट कर लिया है पीस ताकि हम इसको इसमें कुछ इस तरीके से लगा सकें। तो जो इसका आगे का पीस है वो थोड़ा सा छोटा है और जो पीछे का है वो बड़ा है, ताकि जो पीछे हम एफर्ट डालें तो लोड ज़्यादा उठा सके। इस वजह से आपने अगर लीवर पढ़ा होगा फिजिक्स में तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा, ताकि हम नीचे जो पीछे जो वेट रखें वो आगे के वेट से कम हो लेकिन फिर भी उस वेट आसानी से उठा सके। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने एक बॉटल ले ली है, छोटी सी बॉटल है ये, 10-12 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है। इसको हम नीचे से कट कर लेंगे ताकि हम इसमें जो हमारा लोड होगा यानी कि हमारा जो पानी होगा उसको हम स्टोर कर सकेंगे। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। कट करने के लिए मैं सीजर का यूज़ कर रहा हूँ, आप कटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसको कट कर लिया है और ये भी ख़राब नहीं होगी ऊपर का, इसको भी हम कुछ ना कुछ बना ही देंगे। तो अभी इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं और इसमें एक कट बना देते हैं आगे से ताकि ये थोड़ा सा लगे कि जहाँ से पानी गिरेगा अगल बगल से पानी इसमें ना गिरे। तो एक छोटा सा कट बना लिया और इसमें हम इसको लगा देंगे। इसको लगाने के लिए आप फेविक्विक का यूज़ ना करें, मैं फेविक्विक का पहले यूज़ कर रहा हूँ, फिर इसमें ग्लूगन लगा दूंगा ताकि ये और मज़बूत हो जाए, क्योंकि फेविक्विक वाटरप्रूफ इतने अच्छे से नहीं होती है। तो देख सकते हैं कुछ कंकड़ हम ले लें कुछ वेट के लिए। तो देख सकते हैं पीछे हमने वेट के लिए कंकड़ ले लिया है और ये क्यों लगाया अभी आपको बताता हूँ। जैसे ही आगे पानी की जो क्वांटिटी है वो पीछे के वेट से ज़्यादा हो जाएगी, अपने आप ही जो पानी है वो गिर जाएगा। ये आप देख सकते हैं, फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए, और वापस भी आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा ये जो वाटरिंग मशीन है ये काम करने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आ रहे हैं। और इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग भी कर लेते हैं क्योंकि प्लाईवुड है, थोड़ी और अच्छी लगने लगेगी। तो जल्दी से फिनिशिंग कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं थोड़ी सी इसमें फिनिशिंग कर दी है। अब हम इसके ऊपर एक कैन रखेंगे, यानी कि कुछ वाटर को फिल करने के लिए एक कैन ऐसा रखेंगे। तो इसको इसके लिए भी मैंने एक बॉटल ले लिया है, ये 2 लीटर वाली कोई एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है। इसको हम नीचे से कट कर लेंगे, नीचे से जैसे मार्कर से मैं बना रहा हूँ उतना ही हमको इसे कट करना है। तो इसको भी मैं सीजर से कट कर रहा हूँ, आप कटर से कट कर सकते हैं। तो अब हमने इसको कट कर लिया, इसको कट करने के बाद हम इसके ऊपर रखेंगे, लेकिन अब हमें इसमें वाटर निकालने के लिए भी कुछ चाहिए होगा ताकि ड्रॉप ड्रॉप वाटर निकले। तो मैंने यहाँ पर एक थ्रेड और सुई ले ली है, इसको हम इसके अंदर चुभो देंगे, यानी कि इसी के अंदर हम इस थ्रेड को डाल देंगे ताकि जो हमारा वाटर हम इसके अंदर भरें वो ड्रॉप ड्रॉप करके इस दूसरे वाइट जो ट्रांसपेरेंट हमने बॉटल का पीस लगाया है मशीन में उसमें ड्रॉप ड्रॉप करके गिरे। और जब वो फिल हो जाए तो फिर जब वेट से ज़्यादा हो जाए हमारे वेट के तो ये वाटर अपने आप ही नीचे गिर जाए और वापस भी आ जाए। तो कुछ इस तरीके से हमने दोनों तरफ गांठ बांध कर इसको कुछ इस तरीके से बना दिया। आपने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर भी कुछ इस तरह से रहता है, आप वहाँ से भी इसको जान सकते हैं।
देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने इसको बना दिया। हमें ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसमें पेंट भी कर लेंगे। तो मैं इसमें ब्राउन पेंट कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी बॉटल का कलर है वो ग्रीन मैंने इसीलिए रखा है ताकि नीचे ब्राउन और ऊपर ग्रीन रखे रहे, ताकि थोड़ा सा हमें ट्री ऐसा लुक आए। और इसको आप शोपीस के लिए भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा है। पूरा कलर हमने कर दिया, यहाँ तक कि हमने वेट में भी कलर कर दिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है कलर। तो कलर करने के बाद अब बात आती है इसके ऊपर इसको रखने की। तो इसको हमने इसके ऊपर रख लिया है, अब इसको टेस्ट करते हैं कि ये कैसा काम करता है। तो पहले हम इसके अंदर पूरा पानी भर लेते हैं। देख सकते हैं इसकी लुक आप लास्ट में देख सकते हैं किस तरीके से आ रहा है। इसमें हमने पानी भर लिया है और ड्रॉप ड्रॉप करके इसमें पानी गिर रहा है। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें पहले ही भर लिया, क्योंकि इसको कम से कम 3-4 घंटा लगा था पूरा भरने में। तो वीडियो को मैंने फास्ट कर दिया है। कुछ इस तरीके से हमारा ये ड्रॉप ड्रॉप करके पानी गिर रहा है, आप देख सकते हैं। और कुछ समय बाद जब ये पूरा का पूरा वेट से ज़्यादा हो गया, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पानी हमारा गिर गया। तो ये इसी तरीके से वर्क करता है। अगर आपको इसको और डेकोरेशन के हिसाब से बनाना है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसमें मैंने कुछ जो प्लास्टिक के पौधे वाले आते हैं दुकान में, वो लगा दिए हैं। एक बगल में आप गमला देख सकते हैं, और भी इसमें आप डेकोरेशन के लिए कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।